फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज बनाने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव। इसके लिए मैंने गाजर को चॉप कर लिया है एकदम छोटे छोटे में, कैप्सिकम लिया है थोड़ा सा हरी मिर्च लिया है, इधर लिया है थोड़ा सा अदरक, मैंने दो बड़े साइज का टमाटर ले लिया है, इसको भी एकदम छोटे छोटे में चॉप कर लिया है। तो इसमें मैंने पहले ऑयल ऐड किया है, उसके साथ मैं थोड़ा सा बटर भी डालूंगी। अभी इसमें मैं ये अदरक डालूंगी पहले, और ये हरी मिर्च। अभी इसमें मैं ये चॉप किया हुआ प्याज डाल दूंगी। प्याज अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, इसमें मैं अभी गाजर और ये शिमला मिर्च डाल दूंगी। ये गाजर और शिमला मिर्च को अभी थोड़ा सा मैं भून लूंगी अच्छे से। ये सब्जी अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, अभी इसमें मैं ये टमाटर डाल दूंगी। मैं अभी थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। तो मैंने पहले से ही गोभी, आलू और मटर को लेके थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, मैं ये ऐड कर दूंगी। तो इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इधर मिर्ची पेस्ट ऐड करूंगी। इसमें मैंने 3 मिर्ची को पेस्ट कर लिया है, ये तीखा वाला मिर्ची है, और डालूंगी इसमें पाव भाजी मसाला। इसमें मैं अभी थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करूंगी, मैं बाद में भी ऐड करूंगी। अब इसको अच्छे से मिला दूंगी मैं। ये मसाले को अभी अच्छे से मैश करते हुए पकाना है। पहले से ही राइस को उबल के रखा था, ये मैंने रेगुलर के जो चावल हम लोग घर पे खाते हैं वही मैंने यूज किया है इधर। आप चाहे तो बासमती राइस भी यूज कर सकते हो इसमें। अभी इसमें मैं ये चावल ऐड कर दूंगी। तो मैंने राइस को अच्छे से मिला लिया है, अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी मैं। इसमें अभी थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो ये पुलाव अभी रेडी हो गया है। ये तवा पुलाव रेडी हो गया है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।